गुड इवनिंग चर्च, सबको गुड इवनिंग. गुड टू सी ऑल आफ्टर लॉन्ग टाइम. बहुत समय के बाद आपको लोगों को देख रहा हो तो अच्छा लग रहा है. आई आफ्टर मे 2 इयर्स आई मिस संडे सर्विस. 2 साल होने के बाद मैंने पहले बार फिर से संडे सर्विस मिस किया है. सो इट्स लाइक एन ईयर फॉर मी. और मुझे ऐसा लग रहा है कि 1 साल बीत चुका है. सो थैंक यू फॉर ऑल योर प्रेयर्स. आई वाज सिक These few days. थोड़े दिन के लिए मैं बीमार था और आप सब ने मेरे लिए प्रार्थना किया, उसके लिए आपका धन्यवाद. I am who I am by the prayers of the saints. मैं जो भी हूँ वो सब आपके प्रार्थना के वजह से ही हूँ. I am a product of prayers. जो प्रार्थना से जो फल मिलता है मैं वही फल हूँ. So I was very weak, so God has strengthened me also. मैं बहुत ही कमजोर था पर परमेश्वर ने मुझे ताकत दिया है. So for today's introduction, we'll turn to 1 Kings chapter 1. हम देखेंगे पहले राजाओं के पहले अध्याय. 1 Kings chapter 1 verses 1 to 4. हम देखेंगे पहले राजाओं के पहला अध्याय 1 से लेके 4 वचन. It says, Now King David was old and stricken in years, and they covered him with clothes, but he got no heat. Wherefore his servant said unto him, Let there be sought for my lord the king a young virgin, and let her stand before the king, and let her cherish him, and let her lie in thy bosom, that my lord the king may get heat. So they sought for a fair damsel throughout all the coasts of Israel, and found Abishag a Shunammite, and brought her to the king. So here we can see in verse 1, King David has become old. यहाँ पे हम देखते हैं कि पहले वचन में दाऊद जो राजा है वो बहुत ही बूढ़ा हो चुका है. सो ही वॉज नॉट गेटिंग हीट टू हिज बॉडी. उसके शरीर को जो गर्मी मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रहा था. सो किंग डेविड सर्वेंट्स दे आर प्लानिंग एंड दे आर फाइंडिंग अ यंग वर्जिन सो दैट किंग डेविड कैन बी हीटेड अप. और ये दाऊद के जो सेवक है वो लोग सब इकट्ठा होके ये योजना बना रहे और ये सोच रहे कि वो लोग एक कुंवारी लड़की को ढूंढेंगे ताकि जो गर्माहट की दाऊद को जरूरत है और जो कमी की उसे जरूरत है वो उसे पूरी की जाए. सो किंग डेविड सर्वेंट्स दे सॉट एंड दे फाउंड अभिषेक शूनमाइट. और हम देखते हैं कि जब उसके दास ढूंढ रहे थे उस कुंवारी लड़की को, उन्होंने अभिषेक को के पास वो पहुंचे जो एक शूनमाइट थी. So that Abishag can give heat to King David's body and can serve him. ताकि वो जो आए ताकि वो आए और राजा दाऊद की सेवा कर सके और उसको जो गर्मी की जरूरत थी उसे भी वो पूरा कर सके. And in this generation there are many believers who are very cold for God. हम देखते हैं कि आजकल के जमाने में बहुत सारे ऐसे विश्वासी हैं जो परमेश्वर के लिए बहुत ही ठंडे पड़ चुके हैं. God has called us to love the people who are cold-hearted. और परमेश्वर ने हमें बुलाया है ऐसे जो बहुत ही ठंडे हृदय रखने वाले विश्वासियों से प्रेम करने के लिए. Here get no heat, that means believers who are not hot for God. और यहाँ पे तभी वह गर्मी ना होता था, इसका ये मतलब है कि विश्वासी जो परमेश्वर के लिए अपने दिल में एक आग को नहीं रखते. They are cold-hearted believers. और वो परमेश्वर के लिए बिल्कुल भी सुन या ठंडे पड़ चुके हैं. Cold-hearted means they may be bitter, they may be having hatred and envy in their heart. परमेश्वर के प्रति ठंडे हो जाना या ठंडा पड़ जाना या सुन हो जाने का मतलब ये है कि वो परमेश्वर के प्रति कड़वाहट को ज्यादा करते बढ़ाते हैं. Maybe slothful or wicked in their ways. या अपने मार्ग में वो बहुत ही दृष्ट या भ्रष्ट हो. And another thing is believers who are new or believers who are very weak, who do not have the knowledge of word of God. इसे दूसरी तरह से भी इसका अर्थ निकाला जा सकता है कि जैसे भी जो विश्वासी है जो बिल्कुल नए हैं और वो अपने ईसाई के जीवन में बहुत ही कमजोर है. सो दिस काइंड ऑफ पीपल आर वेरी कोल्ड फॉर गॉड. और ऐसे जो लोग हैं या ऐसे जो विश्वासी है वो परमेश्वर के प्रति बहुत ही ठंडे हृदय के होते हैं. सो वी बिलीवर्स आर कॉल्ड टू लव देम थ्रू द लव ऑफ जीसस क्राइस्ट. यीशु मसीह के द्वारा मिले गए प्रेम से हमें बुलाया गया है ताकि हम उन्हें वही प्रेम से प्रेम कर पाए. टू गिव देम द वार्मथ ऑफ गॉड्स लव. और परमेश्वर के प्रेम में जो गर्माहट है या गर्मी है हम उनको दे पाए. सो दैट दे कैन रिसीव द
warmth of God's love and they can serve God. और ताकि वो परमेश्वर के प्यार में छुपे हुए गर्माहट को पा सके और परमेश्वर की सेवा कर सके. There will be many believers who will be cold for God. कई सारे विश्वासी होंगे जो परमेश्वर के लिए बिल्कुल भी ठंडे पड़ चुके होंगे. And cold, it transfers, it generates a cold body also. It is contagious. और हम देखते हैं कि ये जो ठंडे पड़ जाना या अगर हम साधारण भाषा में बोले तो सर्दी हम जो देखते हैं वो एक से दूसरे तक फैलता है और हमारा शरीर भी जो है वो ठंडा पड़ जाता है. We believers are here to generate heat in the church. हम विश्वासी कलीसिया में इसलिए है ताकि हम गर्मी को पैदा कर सके. We are heat generators. और हमें गर्मी को बढ़ाना है. A train is it will move forward only when it is heaty, when the coal is put in the engine. और हम देखते हैं कि वो जो ट्रेन है वो तभी चलता है जब उसके इंजन में कोयला डाला जाता है, जब उसे गर्मी मिलती है. So Jesus Christ also told, don't be lukewarm. यीशु मसीह ने भी बोला कि हमें ऐसे गुनगुने पानी के जैसे नहीं रहना चाहिए. We got to be hot for God. हमें परमेश्वर के प्रति हमें गर्म रहना चाहिए. So in order to be hot for God, we need the love of God the most. अगर हमें परमेश्वर के लिए गर्म रहना है या एक आग उनके लिए हमारे दिल में रखना है तो हमें उनके प्यार की बहुत जरूरत है. So here Abishag in verse 2 you can see there's a phrase and let her lie in thy bosom. ताकि वो उस राजा के पास आ सके ऐसा बाइबल में कहा गया है. Lying in the bosom symbolizes loving a person, showing affection to person. या उनके पास रहना या उनके ऊपर लागू होना इसका ये मतलब है कि हम एक व्यक्ति के प्रति करीब जाते हैं. So we need to love a person by teaching them and investing them. जब हम परमेश्वर के वचन को सिखाते हैं और परमेश्वर के वचन को उनमें बोते हैं, इस तरीके से हम लोगों से प्रेम कर सकते हैं. We look at a believer who is called for God, but we do not fast and pray for them. हम जानते हैं या देखते हैं उन विश्वासियों के लिए जो परमेश्वर के प्रति बहुत ही ठंडे या सुन पड़ चुके हैं, पर फिर भी हम उपवास करके उन लोगों की प्रार्थना नहीं करते. We look at a believer who is very cold for God, but we still don't invest in them. और हम देखते हैं उन विश्वासियों को जो परमेश्वर के प्रति बिल्कुल ठंडे पड़ चुके हैं, पर फिर भी हम परमेश्वर के वचन को उनमें नहीं बो पाते. We don't encourage them and we don't water them. हम उन्हें प्रेरणा नहीं देते, उन्हें जैसे कि पानी देने का मतलब होता है, ये उस तरह की प्रेरणा नहीं देते. Joseph, he loved his brothers, though his brothers were cold-hearted towards him. और हम देखते हैं कि यूसुफ के जो भाई है उनका जो दिल था वो उनका जो नजरिया था यूसुफ की तरह बहुत ही गलत नजरिया था, वो उसको गलत समझ बैठे थे, पर फिर भी उसने अपने भाइयों के प्रति प्रेम दर्शाया. Saul was a cold-hearted king, even though David loved him. और राजा शाउल भी उसका दिल भी वो बहुत ही ऐसे ही ठंडा पड़ चुका था, ऐसे ही सुन पड़ चुका था, पर फिर भी दाऊद ने उससे प्रेम किया जताया. In a week, we are also many times cold for God. हम भी एक हफ्ते में अगर हम देखें तो बहुत ही हम परमेश्वर के प्रति ठंडे या सुन पड़ जाते हैं. God knows how to charge us. और परमेश्वर जानते हैं कि हमारे अंदर में वो गर्माहट कैसी पैदा करनी पड़ती. His ways of charging is very different. जिस तरह परमेश्वर हमारे अंदर उस गर्मी को डालते हैं या उस ताकत को डालते हैं, वो केवल वही जानते हैं. First, we need to be hot for God, then we can transfer that heat to other believers. पहले हमें वो गर्मी हमारे अंदर होनी चाहिए ताकि हम उस गर्माहट को दूसरों तक फैला सके. So are you hot for God? क्या हम परमेश्वर के प्रति वो उत्तेजना या वो गर्माहट रखते हैं? Do you want to be a heat generator? क्या हम ऐसे व्यक्ति बनना चाहते हैं जो गर्मी को पैदा कर सकते हैं? So let's think about it. Jesus is keep on warming us up so that we can warm other believers. और इसमें इसको हमेशा ही ध्यान में रखना चाहिए कि यीशु मसीह हमें हमेशा उनके प्रति गर्म बना रहे हैं, उनके प्रति प्रेरणा दे रहे हैं ताकि हम लोगों को उनके लिए गर्म बना सके या उनमें प्रोत्साहित कर सके. People are perishing because of false gospels and world system. और गलत सुसमाचार से और गलत विधाओं से या विधियों से ये जो संसार के लोग हैं वो नष्ट हो रहे हैं. 2 Timothy 3 says men will be lovers of themselves. और दूसरे तिमोथियस के तीसरे अध्याय में कहा गया है कि ये जो मनुष्य है वो खुद से प्रेम करने लगेंगे. They will love pleasures more than God. और परमेश्वर से ज्यादा वो इस संसार के सुख से प्रेम करेंगे. So God wants to use us so that we can introduce God to them and make them warm for God. परमेश्वर चाहते हैं और हमारा इस्तेमाल करना चाहते हैं ताकि हमारे वजह से उनको परमेश्वर का पता चले और वो परमेश्वर के लिए गर्म बने. So let's be like Abishag, who is a heat generator unto
कोल्ड हार्टेड पीपल और हम अभिषेक उस स्त्री के जैसे बने जो गर्माहट पैदा कर रही है उन लोगों के लिए जो सुन पड़ चुके हैं या टंडे पड़ चुके हैं एंड अभिषेक वाज अ फेयर डैम्सल और हम देखते हैं कि वो एक कुंवारी लड़की थी और जवान थी फेयर सिंबलाइजेस राइचियसनेस और हम देखते हैं कि या सुंदरता भी हम देखते हैं वो धार्मिकता को दर्शाता है एंड गॉड ओनली विल यूज राइचियस बिलीवर्स टू जनरेट हिज लव towards cold-hearted people. और परमेश्वर केवल धार्मिक विश्वासियों का इस्तेमाल करेंगे ताकि वो गर्माहट पैदा कर सके उन ठंडे पड़े हुए विश्वासियों में. How can a cold-hearted believer generate heat to a cold-hearted believer? क्योंकि अगर एक विश्वासी वो खुद ही सुन या ठंडा पड़ चुका है परमेश्वर के प्रति वो दूसरे ठंडे पड़े हुए व्यक्ति के प्रति गर्माहट कैसे पैदा कर सकता है सो लेट्स थिंक अबाउट इट देयर आर मेनी पीपल हु आर कोल्ड हार्टेड इसीलिए हम इस विषय पे गौर करें कि बहुत सारे लोग हैं जो ठंडे पड़ चुके हैं आवर फैमिली मेंबर्स आवर फ्रेंड्स आवर चर्च मेंबर्स हमारे कलीसिया के लोग हमारे परिवार के लोग हमारे दोस्त वी कैन सेंस देम दे आर कोल्ड हम उन्हें परख सकते हैं या उन्हें जान सकते हैं कि वो लोग ठंडे पड़ चुके हैं योर वन वर्ड ऑफ एनकरेजमेंट कैन चार्ज देम हमारा एक प्रेरणा का वचन जो है उन्हें उनमें जो गर्माहट होनी चाहिए वो पैदा कर सकती है आमेन आमेन